एंड आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मुझे आपको रिव्यू देना है वो देना है लिविंग बर्ड का। ये काशीज की पैलेट है और इसकी प्राइस अराउंड 6000 है, ठीक है। और इसकी लुक इस तरह से है, ठीक है, ये आप देख लें। अब मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ और आपको वन बाय वन बताती हूँ कि ये किस तरह यूज़ करनी है और आप इसे बाय करें या ना करें। ये देख लें, अभी इसका बॉक्स है, ठीक है। बॉक्स की लुक ऐसे हैं, ठीक है, फ्रंट साइड से ऐसे और बैक साइड से ये इस तरह की पैकेजिंग है। यहाँ पे इनके सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स जहाँ पे ये अवेलेबल हैं और कॉन्टेक्ट नंबर, ठीक है, अगर आपने मंगवानी है आप इनके थ्रू मंगवा सकते हैं। अब हम चलते हैं कि इसकी पैलेट की तरफ। इसकी पैलेट जस्ट लाइक अ बुक है और बहुत ब्यूटीफुल इन्होंने पैकेजिंग की हुई है, ठीक है। मैं ओपन करती हूँ वन बाय वन। आपके इसके चार पेयर्स हैं, ठीक है, ये देखिए इस तरह से, ये 1, 2, 3 and 4, ये टोटल इसकी साइज है, ठीक है। अब आप इसको ओपन करके मैं आपको दिखाती हूँ। इसके ऊपर यहाँ पे आपको थोड़ा लग रहा होगा ये इसकी वजह से है, ठीक है। और यहाँ पे ये इसके टोटल कलर्स हैं, ये न्यूड शेड्स हैं क्रीज लाइंस वगैरह के लिए, और इसके बाद ये शिमरी शेड्स हैं, ठीक है, और ये सारे ग्लिटरी शेड्स हैं। अब आप देखें इसके जो ग्लिटरी शेड्स हैं उनकी क्वांटिटी कम है, ये आपको लग रहे होंगे फिल, लेकिन ये इतने ज़्यादा फिल नहीं है और इसकी, लेकिन हैं बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ठीक है। और ये आप देखते जाएं वन बाय वन। अब मैं आपको कुछ कलर्स के सारे तो करके स्वैच करके नहीं दिखा सकती, लेकिन आपको इसे कुछ कलर्स के स्वैचेस दिखाती हूँ, ठीक है। जैसे अब आप यहाँ पे ये कलर्स बहुत ब्राइट हैं लेकिन कैमरा में इतने ज़्यादा शो नहीं हो रहे, अब शायद आपको शो हो रहे हो, ठीक है। इनमें मैं अब आपको रेड शेड बताती हूँ, इनमें कौन कौन से कलर्स मैंने यूज़ किए हैं। इनमें मैंने ये कलर यूज़ किया है, ये आपको लग भी रहा होगा, ठीक है, ये कलर मैंने यूज़ किया है और मैंने काफ़ी टाइम यूज़ किया है, और लेकिन ये लगता बहुत थोड़ा सा है जिसकी वजह से इसकी इतनी पिगमेंटेशन भी बहुत अच्छी है, लेकिन जो ग्लिटरी शेड्स हैं ना उनकी क्वांटिटी मुझे जो है कम लगी है एज़ कम्पेयर टू अगर हम दूसरे कलर्स देखें। ये कलर मैंने बहुत यूज़ किया, आप देखें हल्का सा टच भी करें तो ये इसकी पिगमेंट वाव है। और बेस्ट अगर मैं कहूँ आई शेडो पैलेट है पाकिस्तान में इन दैट प्राइस, तो ये गलत नहीं होगा। आप मरियम परवेज की देखते हैं, वो एक छोटी सी पैलेट होती है और उसकी प्राइस 5000 के अराउंड है, जबकि इस ये एक रिनाउंड ब्रांड है। और इसकी पैकेजिंग आप देख लें, इसके कलर्स देख लें, इसकी क्वांटिटी देख लें, एवरीथिंग इज़ बेस्ट, ठीक है। अब मैं आपको इसका स्वैच दिखाती हूँ। अगर आप ये कलर देख लें, ये लाइट सा ट्रांजिशन शेड है जो आप क्रीज में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये शेड देख लें, ठीक है, मैं इसको अपनी रिस्ट पे करके दिखाती हूँ। ये देखिए आपके सामने मैंने बिल्कुल लाइट सा स्वैच किया और इसकी पिगमेंटेशन और कलर आप देखें ज़रा अच्छा। अब हम चलते हैं, मैं अब आपको कोई शिमरी शेड भी दिखाती हूँ। अब हम आते हैं कौन से शिमरी शेड पे, इस शिमरी शेड पे जाते हैं, ठीक है। ये आप देखें, आपके सामने लाइट स्वैच किया है और मैंने ये आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। इसके कलर्स इंतहाई अच्छे हैं और मेरी तरफ़ से तो फुली रिकमेंडेड है। जो लोग आई शेडो पैलेट वन टाइम में बाय करना चाहते हैं, शादी के लिए करना चाहते हैं या यंग गर्ल्स करना चाहती हैं, तो बार बार पैसे लगा के जिसमें आपको सारे कलर्स भी ना मिलें, तो ये एक बेस्ट पैलेट है जिसके लिए आपको अलग अलग से ग्लिटर्स भी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, ग्लिटर ग्लू भी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, आपको ना ही शिमरी शेड से बाय करने की ज़रूरत है और ना ही आपको न्यूड शेड से बाय करने की ज़रूरत है। इसमें सारे कलर्स ऑलमोस्ट हैं। इसके बाद हम चलते हैं ये पिंकिश टोन की तरफ। ये देखिए ठीक है,
पिंकिश टोन। अच्छा अब हम जाते हैं, मैं अब आपको एक ग्लिटर कलर स्वाच करके दिखाती हूँ। इनमें से कौन सा कलर, बॉटल ग्रीन करते हैं। इट्स ब्यूटीफुल, ये इसका बॉटल ग्रीन कलर। मैंने थोड़ा सा स्वाच किया है, ठीक है, जस्ट आप लोगों को एक आइडिया देने के लिए, बाकी आपकी मर्ज़ी, आपको जैसे सही लगे। और इनका, हाँ जी एक और बात बताती चलो, इनका ऑफ भी ऑन एंड ऑफ लगता है, ठीक है, और आप जो है उनमें से ये बाय कर सकते हैं। इसकी प्राइस मैंने आपको बता दी है, अराउंड 6000 है, लेकिन अगर आप इसको सेल से बाय करते हैं तो ये आपको अराउंड 35 to 400 की मिलेगी। इनके डिलीवरी चार्जेस